हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, ये आपके मैथ्स का चैप्टर 12 है और इसके जो ये दोनों क्वेश्चन है आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ कारपेट इज टू बी लेड इन अ रूम विथ लेंथ 7.5 मीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में कारपेट की हमें लेंथ, एक कारपेट है, एक रेक्टेंगुलर कारपेट है ऐसा, उसकी लेंथ हमें दी है 7.5 मीटर और ब्रिथ दी है 3 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, मतलब जो लेंथ है उससे 3 सेंटीमीटर लेस है ब्रिथ, मतलब एक्चुअल जो ब्रेथ से चौड़ाई है वो नहीं बताई है इसमें, इसमें बताया जो जितनी लेंथ है उससे 3 सेंटीमीटर कम क्या है उस कारपेट की ब्रिथ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है कारपेट का। तो कैसे करेंगे, ये जो कारपेट है ये क्या है, रूम में जो है रूम का कारपेट है ये, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रूम, रूम की लेंथ कितनी 7.5 मीटर, अब ब्रिथ ऑफ रूम, यहाँ लेंथ हमें मीटर में दी और ब्रिथ किसमें दी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 300 मीटर, हो गया ये मीटर में चेंज हो गया ये। अब इसमें क्या करेंगे, 300 मीटर इसकी ब्रिथ नहीं है, एक्चुअल ब्रिथ हम निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, इस 300 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल ब्रिथ है वो निकलेगी, तो वो निकल जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, 10 में से 5 गया 5, ये क्या हो गया, इसने इसको 1 दिया, इसने इसको 1 दिया, जो 10 हो गया था तो 10 के बाद इसने इसको 1 दे दिया, तो यहाँ के बच्चा 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 का 9 और यहाँ 2 का 2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, लेंथ इनटू ब्रिथ, हमारे पास अब लेंथ भी आ गई और ब्रिथ भी आ गई, तो लेंथ आ गई, हम लेंथ कितनी है 7.5 और ब्रिथ कितनी है 292.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये क्या आ गई, एरिया निकल गया कारपेट का। अब नेक्स्ट क्या है, अ पेंटिंग हैज एन एरिया ऑफ 6930 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये यहाँ पे हमें पेंटिंग का एरिया दिया है, ये कितना, इतना है। इफ द ब्रिथ ऑफ द पेंटिंग इज 70 सेंटीमीटर, पेंटिंग की जो ब्रिथ है चौड़ाई है वो कितनी 70 मीटर, तो हमें क्या करना है, फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंटिंग, तो पेंटिंग की लेंथ क्या है। तो हमने क्या लिखा, एरिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ पेंटिंग इतना है 6930 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रिथ ऑफ द पेंटिंग भी गिवन है क्वेश्चन में 70 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है एरिया, एरिया ऑफ पेंटिंग का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ इनटू ब्रिथ। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले में कुछ कैसे करेंगे, इसको हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ इक्वल्स टू करके एरिया लिख देंगे और जो ब्रिथ है वो क्या आ जाएगी इसके अपॉन में, तो लेंथ इक्वल्स टू करके एरिया लिखा हमने 6930 और ब्रिथ की जगह 70, अब इसको 0 से 0 कैंसिल और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 99 सेंटीमीटर। ओके, तो आप अपनी मैथ्स कॉपी में करें, थैंक यू।